काशीराम साहब के लिए एक बात कही जाती है, काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। वही काम किया था मान्यवर श्री काशीराम साहब ने, उन्होंने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी कौमों को जगाने का बहुत अच्छे से कार्य करा, सभी को एक मंच दी, एक छत दी जिसके नीचे बैठ के वो लोग अपनी बात कर सकते थे, बीएसपी वो दिया था उन्होंने। और बीएसपी एक कैडरेस पार्टी है जो कि सिर्फ कैडर पे चलती है और अपने मिशन बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करती है। लेकिन आज वो सपने सारे दूर होते जा रहे हैं। आज बसपा जो भी कुछ है वो सिर्फ मान्यवर श्री काशीराम साहब की देन है। काशीराम जी ने DS-4 के जरिए रखा था। आज पूरे देश के अंदर रोहिला वेमुला से लेकर उना प्रकरण और हाल ही में SC-ST एक्ट सहित तमाम मुद्दों पर बीते कुछ समय से दलित राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में ना सिर्फ दलित राजनीति बल्कि पूरे भारतीय राजनीति का व्याकरण बदल कर रख देने वाले काशीराम याद करना जरूरी है। 15 मार्च 1934 में पंजाब के रोपड़ जिले के अंदर एक गांव ख्वासपुर में काशीराम का जन्म हुआ था। वह जिस परिवार में पैदा हुए थे वह पहले हिंदू धर्म की चमार जाति का परिवार था, लेकिन बाद में इस परिवार ने सिख धर्म को अपना लिया। उस दौर में पंजाब में हिंदू धर्म की पिछड़ी जातियों के कई परिवारों ने सिख धर्म अपनाया था। इसकी मूल वजह ये बताई जाती है कि जितना भेदभाव हिंदू धर्म में पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ होता था उतना भेदभाव सिख धर्म में नहीं था। काशीराम जिस परिवार में पैदा हुए थे उसे आर्थिक और सामाजिक तौर पर ठीक ठाक कहा जा सकता था। उनके पिता हरि सिंह के सभी भाई सेना में थे। हरि सिंह सेना में भर्ती नहीं हुए थे क्योंकि जो 4 एकड़ की पैतृक जमीन थी परिवार के पास थी उसकी देखभाल के लिए किसी पुरुष सदस्य का घर पर होना जरूरी था। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से काशीराम को बचपन में उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। काशीराम के 2 भाई और 4 बहन थे। इनमें से अकेले काशीराम ने रोपड़ के गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की थी। 22 साल की उम्र में यानी कि 1956 में काशीराम को सरकारी नौकरी मिल गई। 1958 में उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO में काम करना शुरू कर दिया। वह पुणे के पास DRDO की एक प्रयोगशाला में सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ किस तरीके का भेदभाव या उनका किसी तरीके का शोषण हो रहा है। काशीराम के लिए ये स्तंभ और दुखी कर देने वाला अनुभव था। यहीं से काशीराम ने एक ऐसा चेतना शुरू हुई जिसने उन्हें सिर्फ अपने और अपने परिवार के हित के लिए नहीं काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं बजाय बड़े मकसद के लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं उनके साथ जीवन में बीती जिससे उनके अंदर आत्मा तक कसमसा गई। काशीराम को अम्बेडकर और उनके विचारों को परिचित कराने का काम DK खापड़े ने किया था। खापड़े भी DRDO में ही काम करते थे। वह जाति से महार थे लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। खापड़े ने काशीराम को अम्बेडकर की इतिहास उनके बारे में बहुत सारी किताबें दी जो मान्यवर श्री काशीराम साहब ने पढ़ी और उनको लगा कि एक व्यक्ति जिसने अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया हो समाज के लिए, उन गरीब शोषित वंचित समाज के लिए, तो क्यों ना मैं उनके मिशन को आगे बढ़ाऊं। उन्होंने ये विस्तार से बताया। इसके बाद उन्होंने अम्बेडकर की वह किताब भी पढ़ी जिसमें उन्होंने यह विस्तार से बताया कि महात्मा गांधी और कांग्रेस ने अछूतों का कितना बुरा किया। काशीराम ने बाद में कई मौके पर माना कि इन दो किताबों का उन पर सबसे अधिक असर पड़ा। नौकरी छोड़ने पर उन्होंने 24 पन्ने का एक पत्र अपने परिवार को लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि अब वह संन्यास ले रहे हैं और परिवार के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। वह अब परिवार में किसी भी आयोजन में नहीं आ पाएंगे। यहाँ से काशीराम जिस रास्ते पर चल पड़े उसमें सरकारी नौकरी ज्यादा दिनों तक चलनी नहीं थी। हालांकि उनकी नौकरी छोड़ने के सही समय को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने 1964 में नौकरी छोड़ दी थी। नौकरी छोड़ने की वजह के तौर पर यह बताया जाता है कि उन्होंने पिछड़ी जाति के सरकारी कर्मचारियों द्वारा अम्बेडकर वाल्मीकि बुद्ध जयंती पर छुट्टी की मांग के लिए हुई प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। जिस दौर में काशीराम दलितों के उत्थान के मकसद के साथ जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे उस दौर में देश का प्रमुख दलित संगठन रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया थी। काशीराम इससे जुड़े और जल्दी ही उनका इससे मोहभंग भी हुआ। 14 अक्टूबर 1971 काशीराम ने अपना पहला संगठन बनाया। इसका नाम था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब।
अदर बैकवर्ड क्लासेस में एड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन संगठन के नाम से साफ है कि काशीराम इसके लिए इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को जोड़ना चाहते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका लक्ष्य ज्यादा व्यापक था और शुरुआत में कोई ऐसा संगठन नहीं बनाना चाहते थे जिससे सरकार को। काशीराम साहब ने फिर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा DS4 का मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसका मुख्य नारा था ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। यह एक राजनीति मंच नहीं था, लेकिन इसके जरिए काशीराम ना सिर्फ दलितों को बल्कि अल्पसंख्यकों के बीच में एक तरफ की गोलबंदी करना चाहते थे। 1973 के आते आते काशीराम और उनके सहयोगी की मेहनत बूते पर यह संगठन महाराष्ट्र से फैलता हुआ पूरे देश के अंदर ये फैलने लगा। इसी साल काशीराम ने इस संगठन को एक राष्ट्रीय चरित्र देने का काम किया और इसका नाम हो गया ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिस्ट एम्प्लॉइज फेडरेशन। ये संगठन वामसेफ के नाम से मशहूर हुआ। ये घोषणा देश की राजधानी दिल्ली में 80 के दशक से शुरुआत आते ये संगठन काफी बढ़ा। उस वक्त वामसेफ ने दावा किया कि उसके 90 लाख सदस्य हैं, जिनमें बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और डॉक्टर भी शामिल हैं। काशीराम ने 1981 में DS4 की स्थापना की। DS4 का मतलब है कि दलित शोषित। DS4 के तहत काशीराम ने संघन जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने एक साइकिल मार्च निकाला जिसने 7 राज्यों को तकरीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा की। अगड़ी जाति के खिलाफ विश्वमक करने वाले नारों के जरिए जनसंपर्क अभियान जारी किया। घर घर जाकर मिलते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों से जाके उनका बहुत घनिष्ठता थी और सभी धर्मों में उनकी पकड़ भी बहुत अच्छी थी। उन्हें उत्तर प्रदेश के लिए वहीं का कोई दलित चेहरा चाहिए था, ऐसे में उन्होंने मायावती को चुना और 3 जून 1995 को प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनी। भले ही बसपा की स्थापना को उस वक्त मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन देश की सियासत को पलटने का काम किया था माननीय काशीराम साहब ने। आज अगर माननीय काशीराम की जो देन है वो बसपा है और बसपा को मूल रूप से नेतृत्व दिया था, अपने विचारों से सींचा था माननीय काशीराम ने, और अगर आज वो राजनीति फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। 9 अक्टूबर 2006 को लंबी बीमारी के बाद माननीय काशीराम साहब का नई दिल्ली में निधन हो गया, जिससे बहुजन समाज एक सदमे में चला गया और वो पकड़ दोबारा से नहीं बना पाया जो माननीय श्री काशीराम साहब ने बनाई थी। आज भी उनको और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनके विचारों को अपने अपने तरीके से लोग सींचने लग रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।